इंडिया का फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले रविवार को हो रहा है। शो में ड्रामा, रोमांस और एंटरटेनमेंट के बाद दर्शकों को हाल ही में एक्शन भी देखने को मिला। दरअसल बीते एपिसोड में खतरों के खिलाड़ी के प्रमोशन के चलते डायरेक्टर रोहित शेट्टी बिग बॉस 16 के घर में पहुंचे थे और दो कंटेस्टेंट्स की शो में डायरेक्ट एंट्री करवाते नजर आए थे। अब उनके द्वारा खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में डायरेक्ट एंट्री करने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित ने जिन बिग बॉस 16 के फाइनलिस्ट को खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए चुना है वो है शिव ठाकरे और अर्चना गौतम। इस खबर से शिव और अर्चना के फैंस काफी खुश हैं। शिव इससे पहले बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं और रोडीज में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वहीं अर्चना पेशे से पॉलिटिशियन है और मिस बिकनी इंडिया 2018 की विनर रह चुकी हैं। आपको बता दें कि लास्ट एपिसोड में निर्देशक रोहित शेट्टी ने घर में ग्रैंड एंट्री ली थी जहां उन्होंने हाउसमेट्स का कड़ा इम्तिहान लिया था। शो के अपकमिंग प्रोमो में दिखाया गया है कि रोहित शेट्टी एमसी स्टैन को पानी से जुड़ा हुआ टास्क करवाते हैं तो वही अर्चना गौतम से करंट लगने वाला टास्क करवाते हैं। इसके साथ ही प्रियंका चाहर चौधरी बाइक से शीशा तोड़ने वाला स्टंट करते हुए दिखाई देंगी। इस प्रोमो को देखकर फैंस में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको बता दें बिग बॉस 16 का फिनाले रविवार को होने वाला है जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जंग जारी है। वही फाइनलिस्ट की बात करें तो एमसी स्टैन, अर्चना गौतम, शालीन भनोट, शिव ठाकरे और प्रियंका चौधरी के बीच तगड़ी टक्कर होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपके हिसाब से बिग बॉस 16 का विनर कौन होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। टीवी, मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGP डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें।